देखिए जो जिन लोगों से मिला हमने सबको यही बात कह रहे हैं सब ठीक हो। हिंदुस्तान या इंडिया ना उसका विशाल हृदय सरकारें आती जाती है। हमने सिर्फ इनसे कहा थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा। हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं एक हालात बेहतर हो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अलावा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अलावा मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक कोई दूसरा विकल्प नहीं। हमने सिर्फ इनको ये भरोसा दिलाया है कि आप ये मत सोचो कि यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर रही है यूनियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। हम सब एक साइकोलॉजिकल हीलिंग चाहते हैं। आज हमारी एक छोटी सी कोशिश उसी दिशा में है कितनी कामयाब होगी मैं नहीं जानता। सीबीआई को जांच के लिए कहा गया इस पूरे मामले। देखिए ये पूरी चीज मुझे स्पष्ट नहीं है दोष किसका फोटो लेने वाले का या कृत्य करने वाले का कुकृत्य करने वाले का। इसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है नजरिया वो होना चाहिए क्योंकि जेनोसाइडल इंटेंट में देख रहा हूँ। सर सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं कि इंडिया पश्चिम बंगाल और राजस्थान को मिल जाता है यहाँ क्यों अगर नरसंहार वाली परिस्थिति भगवान न करे कहीं है अगर होगी तो वहां भी जाएंगे। लेकिन अभी इस तरह के बयान पे मैं कहना चाहूंगा गेट वेल सून आप लोग बीमार हो रहे हैं। संसद में आपको लगता है कि आगे आपकी इस विजिट के बाद कुछ असर निकलेगा ये किसके अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी से ना और किससे अपील करने का मतलब मेरे भी प्रधानमंत्री देश के इनके प्रधानमंत्री इन्हें नहीं पता कि प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए उनके विवेक पे छोड़ दो। देखिए लोग मैं दूसरी बारी आई हूँ तो लोग पीड़ित हैं और सोच रहे कि हम घर कब वापस जाएंगे। देखिए कितने बच्चे हैं आज यहाँ पर इतने सारे बच्चे अगर बेघर हो गए हैं तो इनसे हमारा मिलना जरूरी था। दुख यही है कि भारत सरकार को डेलीगेशन भेजना चाहिए था उन्होंने मना कर दिया इसलिए इंडिया अलायंस के जितने पार्टीज हैं उनके सांसद यहाँ आए हैं। सीबीआई की इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है सरकार की तरफ से। देखिए देश के गृह मंत्री को 3 मई से नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है। आज 90 दिन बाद आप सीबीआई दे रहे हैं इसका मतलब आइदर गृह मंत्री के पास कोई आईबी रिपोर्ट नहीं था और वो टीवी पे तो बोल रहे हैं हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सीबीआई आपने 2 महीने पहले क्यों नहीं दिया और सीबीआई ने किसने अरेस्ट किया जिसने उन महिलाओं का वीडियो उतारा। इसका मतलब अमित शाह मणिपुर के लोगों को डरा रहे हैं कि वीडियो मत उठाना मतलब वीडियो वाले को पकड़ लिया कि वीडियो मत निकालना ये तो गलत बात है। आप कह रहे हैं कि इंडिया अपने आप यहाँ आया है उसी में सेंट्रल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कहा है कि इंडिया पश्चिम बंगाल और राजस्थान क्यों नहीं जाता। देखिए अनुराग ठाकुर तो जो महिला रेसलर्स थे उनके पक्ष में नहीं बोले तो वो मणिपुर के बारे में क्या बोलेंगे। अनुराग ठाकुर जी इतना नीचे गिर गए हैं प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए कि उनको मणिपुर नहीं दिख रहा।